नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ फॉर भारत में। मैं हूं आपके साथ सैयद शबाब। बिहार पुलिस में सुधार लाने के तमाम दावे फेल साबित हो रहे हैं। शहर में रंगदारों से कहीं ज्यादा रंगदारी में पैसे बिहार पुलिस ही वसूल करती है। ऐसा ही एक मामला गया के बाराचट्टी थाने में देखने को मिला है, जहां बिहार पुलिस की अवैध वसूली का मामला सामने आया। हालांकि उस थाने के दो SI धर्मेंद्र कुमार और हरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब अवैध वसूली में थाना अध्यक्ष के शामिल होने की भी खबर सामने आ रही है। अब थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके अलावा थाना के प्राइवेट चालक को भी पकड़ा गया है। गया के SSP राजीव मिश्रा ने बताया कि उड़ीसा से लोहा लेकर एक ट्रक नेपाल जा रहा था। ट्रक झारखंड नंबर का है। दोनों जमादार ट्रक चालक से 50,000 रुपये की वसूली कर रहे थे। जाँच के बाद थाना अध्यक्ष की भी उसमें संलिप्तता पाई गई। इसके बाद कार्रवाई करते हुए दोनों जमादारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया है।